एकता मंच ये सामाजिक संस्था अजय कौल सर के अध्यक्ष के नीचे काम करती है। साल में ये ब्लड कैंप हो या अन्य गरीब लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी हो, ऐसे समाज उपयोगी काम अजय कौल सर के मार्फत यहाँ पे होता है। एकता मंच ये बहुत अच्छी काम करने वाली संस्था है, ये इस एरिया के लोगों को पूरी तरह मालूम है। इसके लिए इस ब्लड कैंप में जो आज उनकी माताजी का जन्मदिन है 14 दिसंबर को, जयंती के अवसर पर वो हर साल ब्लड कैंप आयोजित करते हैं। बहुत बड़ा प्रतिसाद उनको मिलता है एरिया में से, तो ये इसका कारण है। बहुत ही लोकप्रिय सृजनशील ऐसे व्यक्तिमत्व अजय कौल सर है, इसकी वजह से ये ब्लड कैंप बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित किया जाता है और काफ़ी ब्लड के बॉटल्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ब्लड डोनेशन ये एक अच्छी आदत है एक्चुअली, जो 18 साल के ऊपर जो भी ये है किड्स है या आप बोलेंगे कि जो भी यंग बॉयज़ है, उन्होंने ब्लड कैंप करना ज़रूरी है। ब्लड डोनेट करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी महत्ता है उसमें कि आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपका जो पुराना ब्लड है वो निकल के उसका रिप्लेस होता है नए ब्लड से, नए प्लेटलेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। और किसी तरह हम तो है नहीं वैसे ब्लड, तो मैं आपके ज़रिए इस एरिया के या कोई भी जो जहाँ तक आपकी ये सुविधा पहुँचती हो, वो सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप साल में किमान 2 बार ये रक्तदान ज़रूर करें, ताकि आपकी स्वस्थ आयु, स्वस्थ शरीर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता रहे। धन्यवाद। शहर के बारे में बोलूँगा, जिस तरह शहर के हर फंक्शंस, हर प्रोग्राम हिट रहते हैं, सक्सेस रहते हैं, उस तरह ये भी हिट होगा और ये अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाएगा ब्लड का। शाम तक आप देखिए कम से कम ये 300 के ऊपर क्रॉस करेगा और हमको उम्मीद है कि मतलब ये करना ही चाहिए और इसमें हर कोई सपोर्ट कर रहा है, पूरे एरिया वाले आ रहे सब, शहर का नाम है तो हर कोई आता ही है यहाँ पर। ज़्यादा यूथ जो है वो भी सहभागी हो रहा है, हम देख रहे हैं क्या कहें। यूथ तो सर के फ़ैन है सर, अजय सर के तो सब आते ही है सर के नाम से और प्रशांत सर के नाम से यहाँ पे सब लोग जमा होते हैं और हर संस्था आती है यहाँ पे। हम लोग भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे भी ग्रुप से आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे यहाँ। पहले आज उनके माता जी का जन्मदिन है इसलिए वो ब्लड कैंप हर साल किया जाता है। और सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, अनगिनत चीज़ें हैं सर जो करते हैं ब्लड कैंप के द्वारा, तो कितने हज़ारों लोगों को वो हेल्प करते हैं, पेट के लिए करते हैं। कोरोना में हर बार मैं ये चीज़ दोहराती हूँ कि कोरोना में सर ने जो किया किसी ने नहीं किया, और ये वार्ड में नहीं सर, पूरे मेरे ख्याल से के वेस्ट में हर जगह सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए मैं हमारे पूरे टीम की तरफ से सर को थैंक यू सो मच बोलती हूँ और ये भी बोलना चाहूँगी ये हमारे सौभाग्य है कि हमें इधर आज इधर खड़े रह के हमें 2 शब्द बोलने की क्षमता भी आई है और अच्छा लगता है यहाँ आके बोलने के लिए। और जो ब्लड कैंप जो कर रहे हैं सर, तो मैं सभी को मैं विनंती करूँगी कि आप भी आइए ब्लड कैंप में सहभागी होइए, क्योंकि एक
किसी ने भी अगर ब्लड डोनेशन किया तो उसमें कितने लोगों की जान भी बच सकती है और लोगों को उपयोग हो सकता है, इसलिए थैंक यू सो मच। अपने देश में मेरे ख्याल से ट्रेडर्स कॉलेज ही ऐसा है जो विदाउट फेल 16 साल से ये कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि ये प्रथा जो स्टार्ट की है ना, ये सब लोगों ने सीखनी चाहिए। दूसरी बात है कि ट्रेडर्स के बारे में बोलने लगे तो शायद 15 मिनट एक घंटा एक दिन में कम पड़े। कोविड के टाइम में हम लोग बात कर रहे थे सर के साथ कि कोविड के टाइम में जो सर लोगों ने मदद किया था कोविड प्लाज्मा अभियान में, वो उस वक्त में भी रुका नहीं सरकार डोनेशन। उस वक्त में जब सब लोग हाथ छोड़ रहे थे, उस वक्त में प्रशांत सर, अजय सर ने कोविड के लिए प्लाज्मा जनरेशन अवेयरनेस क्रिएट किया, ब्लड डोनेशन किया जो नहीं हो रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज का जो कैंप, जो प्रशांत सर ने मुझे कहा था कि दिन भर में 100 होगा, वो 2 घंटे में 100 होगा। मतलब मैंने आज तक ऐसे कभी मैंने अपनी लाइफ में अनुभव नहीं किया 22 साल में, जितना बोला गया उसके ज़्यादा कभी कनेक्शन हो है जो प्रशांत सर के गाइडेंस में इतने सालों से चल रही है। और ये इतना अच्छा एक इनिशिएटिव है कि ब्लड डोनेशन ड्राइव, और लोगों को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इससे अच्छा मुझे लगता है कोई योगदान नहीं हो सकता है सोसाइटी के प्रति। सर, अब तक इतने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और क्या लगता है इस बार आंकड़ा बढ़ेगा ब्लड डोनेशन करने वालों का? देखिए, लोगों में एक जागरूकता है कि कैसे लोगों ने ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सी बार ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी होती है, तो जितना भी ब्लड डोनेट करें उतना बहुत अच्छा था। मेरे को लगता है एक लोगों में काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट किया है प्रशांत सर ने, उनकी टीम ने काफ़ी लोगों में एक जागरूकता लाने की कोशिश की और उसका आज आप ये नतीजा देख रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, जिस तरह से लोग इतनी भारी संख्या में आए और शाम तक अभी चलने वाला है और बहुत सारे लोग आने की आशा? क्लारा कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरफ से गए 16 साल से रक्तदान शिविर यहाँ पे होता है और सही में एक बहुत बड़ी मायना रखता है। और इसके जो आयोजक है वो हमारे सबके गुरु है अजय कौल सर जी, इस क्लारा कॉलेज कॉमर्स के संस्थापक है, एकता मंच के अध्यक्ष है, और इन्होंने जो इनिशिएटिव पार्ट लेके ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम इतने सालों से कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज महाराष्ट्र राज्य में भी रक्त का बहुत तो मतलब कमी है, और ये कमी पूरी करने की पूरे हर साल जैसे ये साल भी अजय कौल सर जी ने एक कोशिश की है, और उनके साथ उनके जो बैकबोन है जो सही मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, कम से कम 20-25 सालों से प्रशांत काशी सर जो उनके हाथों में हाथ डाल के उनके पीछे से उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये अभी 100 के ज़्यादा ब्लड लोगों ने डोनेटर ने ब्लड डोनेशन दिया है, और आगे भी मुझे लगता है कि कम से कम 800 या 900 की तारा में ब्लड जो है यहाँ पे जमा होएगा और महाराष्ट्र राज्य में जो रक्त का टुकड़ है वो पूरा है। और आपस में लोगों ने ये पहुँचाना चाहिए एक दूसरे को कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड शरीर में कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है, तो ये अवेयरनेस बढ़ेगा तो और आगे लोग आएंगे। थैंक यू टू द क्लारा कॉलेज एंड महात्मा गांधी ट्रस्ट के सब मिलके ये एक साथ कर रहे हैं, एंड थैंक यू प्रशांत सर जिनके टीम की वजह से ये आगे बढ़ रहा है। क्लारा कॉलेज ऑफ कॉमर्स और महात्मा गांधी ब्लड बैंक एवरी ईयर 14 दिसंबर को अजय सर की जो मम्मी माँ के जन्मदिन पर उपलक्ष्य पर ये ब्लड ड्राइव आयोजित करते हैं। मगर ये उपलक्ष्य के पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वो माननीय अजय सर और प्रशांत काशी सर हैं। ये तो खाली झलक है ब्लड डोनेशन कैंप, सर के काम की लिस्ट अनएंडिंग है। मेडिकल कैंप ले लो, यहाँ कोविड का सेंटर था, सबको अनाज फूड और सब अदर थिंग्स मटेरियल सर ने सप्लाई किया है। इतना ही नहीं, सर का जो एकता मंच एनजीओ है वो हर एक गरीब निडी पर्सन को मदद करता है। कॉलेज में हम जो गरीब स्टूडेंट है उनको फी भी माफ़ करते हैं। इतना ही नहीं, मोहल्ला कमेटी है और मोहल्ला कमेटी के द्वारा सर का काम सामाजिक कार्य चलता है। इसके बारे में बात करना चाहेंगे उनकी तरफ से किस तरह का इनिशिएटिव?
मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वन एंड ओनली अजय पॉल से। अजय सर ने अपनी माँ से प्रेरणा लेके जो हमें प्रेरणा दी है, हम उसी कदमों पे आज यहाँ चलते हुए हमें सोशल काम जो पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। मुझे तो ये बोलना है खाली एक ही चीज़ कि आज जो ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रहा है, आज क्लारा पॉल इनका जन्मदिन है, सर की माता जी है, आज सर ने 15-16 साल से जो ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज को दिया हुआ माँ के बर्थडे पे अनोखा तोहफा, इससे बड़ा तोहफा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।